गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल गुड। सो टुडे वी लर्न स्टोरी अगेन। ओके डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस एवी असाइनमेंट वी हैव कवर्ड फोर लाइन्स ऑफ स्टोरी। ओके, एंड टुडे वी लर्न टू न्यू लाइन्स ऑफ द थ्रस्टी क्रो। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? आप सबको पता है ना कि स्टोरी का कौन सा नेम है? द थ्रस्टी क्रो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द स्टोरी इज द थ्रस्टी क्रो। वंस देयर वॉज अ क्रो, He was very thirsty. He flew here and there in search of water. At last, he found a jug of water. So, these are two new lines. But the water was low in it. The wise crow put the pebbles into the jug. So dear student, आपको आती है तो आप मैम के साथ साथ स्पीक करना है आपने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। वंस देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वॉटर। एट लास्ट ही फाउंड अ जग ऑफ वॉटर, but the water was low in it. The wise crow put the pebbles into the jug. Again, name of the story is the thirsty crow. Once there was a crow, he was very thirsty. He flew here and there in search of water. At last he found a jug of water, but the water was low in it. The wise crow put the pebbles into the jug. So one time again, name of the story is the thirsty crow. Once there was a crow, he was very thirsty. He flew here and there in search of water. At last, he found a jug of water, but the water was low in it. The wise crow put the pebbles into the jug. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वाली सिक्स लाइन्स जो स्टोरी की हैं वो आपकी मम्मा की हेल्प से लर्न करनी है। ओके, फोर लाइन्स तो आपको होगी होगी, तो आज आपने ये टू जो न्यू लाइन्स है ये वाली लर्न करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक योर फोनिक साउंड इंग्लिश बुक एंड मूव टू पेज नंबर 17। फोनिक साउंड आई, आज हमने आई साउंड वाले वर्ड करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। H I T, हिट। हिट क्या होता है? जब हम आप बैट बॉल प्ले करते हो ना, जब अपने बैट से आप बॉल को हिट करते हो उसको बोलते हैं हिट करना। ओके, H I T, हिट। P I T, पिट। पिट क्या होता है? जैसे आप सड़क पे जाते हो उस पर ऐसे खड्डा बना होता है ना, उसको बोलते हैं पिट। ओके, P I T, पिट। S I T, सिट। सिट क्या होता है? जब आप देखो ये बॉय चेयर पे बैठा है ना, तो इसको बोलते हैं सिट। एस आई टी, सिट। के आई टी, किट। किट क्या होती है? जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है वैसी एक किट भी होती है, जिसमें आप अपने पेंसिल शॉर्पनर कुछ भी कैरी कर सकते हो, उसको किट बोलते हैं। ओके, के आई टी, किट। नेक्स्ट वन इज बी आई एन, बिन। बिन क्या होता है? आप सब क्लासरूम में जब आते हो तो वहाँ पे डस्टबिन होता है ना, उसको जब उसको बिन बोलते हैं, बी आई एन, बिन। नेक्स्ट वन इज
PIN, पिन. दिस इज अ पिन, इसको सेफ्टी पिन भी बोलते हैं. ओके, PIN, पिन. TIN, टिन. टिन क्या होता है? कोई भी जो मतलब खाली होता है, खाली है, कैन टाइप होता है, जिसको टिन बोलते हैं. ओके, जो खाली होता है कैन टाइप, उसको टिन बोलते हैं. TIN, टिन. FIN, फिन. फिन, फिश को फिन भी बोलते हैं. ओके, सो रिवाइज अगेन. HIT, हिट. PIT, पिट. SIT, सिट. KIT, किट. BIN, बिन. PIN, पिन. TIN, टिन. FIN, फिन. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने फोनिक साउंड की बुक का पेज नंबर 17 जो आई साउंड वाले, ये भी लर्न करने हैं और अपनी स्टोरी की 6 लाइंस भी करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.